दोस्तों आखिरकार गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला अब शुरू हो ही चुका है और आखिरकार क्या है मैच की लाइव अपडेट, कौन सी टीम चल रही है मुकाबले में आगे, वो सब तो आपको आज के इस लाइव अपडेट में हम बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप भी हमें बताइए कि आपके हिसाब से आज कौन सी टीम आईपीएल 2022 के फाइनल में विजेता बनेगी, गुजरात की टीम या फिर राजस्थान की टीम। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर आप भी गुजरात और राजस्थान के रोमांचक मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, लगभग दो महीने के दमदार एक्शन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 2022 सीजन अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है, जहां गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी जंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ उतरे। तो वहीं दोस्तों गुजरात की टीम ने इस साल आईपीएल 2022 के एक एक मुकाबले में दमदार प्रदर्शन कर दिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम भी इस साल अपनी लय से चूकी नहीं और उसने भी अपनी लय को बरकरार रखते हुए आईपीएल के फाइनल तक जगह बनाई। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आईपीएल का ये मुकाबला जितना जरूरी गुजरात की टीम के लिए और उनके दर्शकों के लिए है, तो उतना ही जरूरी राजस्थान के लिए भी है। तो वहीं दोस्तों आज का ये रोमांचक मुकाबला शुरू होने से पहले क्लोजिंग सेरेमनी भी आयोजित करवाई गई, जिसमें हम सभी को काफी बड़े स्टार्स प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और वहीं दोस्तों इस दौरान जब टॉस हुआ तो टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें आज की इस रोमांचक मुकाबले की, तो आप सभी इस मैच की लाइव अपडेट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर टेलीविजन पर देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इस मुकाबले की हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों आज के इस मुकाबले का टॉस 7:30 बजे से हुआ और आधे घंटे लेट से आज ये मैच शुरू होने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण आप सभी 8 बजे से लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकोगे। तो वहीं अगर हम बात करें इस रोमांचक मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, यहाँ पर जो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाली है, उसमें दोस्तों एक बार फिर से जॉस बटलर अपना तूफान दिखाते हुए नजर आए। तो वहीं यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओविड मकॉय और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों को आज प्लेइंग 11 में उतारा गया है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें गुजरात टाइटंस की टीम की, तो दोस्तों जो गुजरात की आज आप सभी को प्लेइंग 11 टीम दिखाई देने वाली है, उसमें शुभमन गिल, रिद्धिमान साह, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसफ, आर साई किशोर, मोहम्मद शमी और यश दयाल को मौका दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यही है पूरी प्लेइंग 11 टीम इन दोनों की ही। बाकी हम आपको अगर आज के इस मुकाबले का हाल बताएं तो दोस्तों इस मुकाबले में हर किसी की निगाहें अगर गुजरात टाइटंस की टीम के बल्लेबाजों पर होगी, तो वहीं राजस्थान की टीम के गेंदबाज भी अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान बल्लेबाजी में गुजरात की तरफ से हर कोई हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ियों पर अपनी आंख ताके रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राशिद खान, मोहम्मद शमी भी आप सभी को शानदार गेंदबाजी लय में दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल आज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और उनकी तरफ से गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा, ओविड मकॉय और युजवेंद्र चहल इतिहास रचेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी की क्या राय है आज के इस रोमांचक मैच के बारे में और आपके अनुसार आज कौन सी टीम विजेता बनेगी, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।